गोरखपुर में पक्षी जनपद संत कबीरनगर जो कि धार्मिक सांस्कृतिक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत वर्ष में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ पर संत कबीर की समाधि स्थल भी है। आज हमारे साथ में हिंदू महासभा के अखिल भारत हिंदू महासभा के गोरक्ष प्रांत के महिला मोर्चा की अध्यक्ष निकिता पांडे जी आई हुई हैं। कुछ इनकी बातों को हम लोग सुनेंगे और उसके बाद हम लोग चर्चा भी करेंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है, अपना परिचय दीजिए। नमस्ते, सबसे पहले तो मैं अपने आपकी चैनल के माध्यम से और अपने किन्नर समाज की तरफ से सबको प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारी समस्याओं को समझने की कोशिश की। और पहली बात तो मैं निकिता पांडे की मैं फरीदाबाद की रहने वाली हूँ और मैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा की प्रांतीय अध्यक्ष हूँ हिंदू महिला सभा से। और बात यह है कि मैं खलीलाबाद की मूल निवासी हूँ और जो कि किरण किन्नर है जो कि नेपाल की रहने वाली हैं वो हमको बहुत दबिश डालनी है इस क्षेत्र में काम करने से और वो चाहती है कि हम बाहर चले जाएं, इस क्षेत्र में ना रहें। तो हम यहाँ की मूल निवासी हैं, हम क्यों बाहर जाएं, जाने तो वो बाहर जाएं, वो खुद नेपाल से आके इतने दिन से यहाँ पे हैं और धांधली कर रही हैं, वो दूसरे के बच्चे किस प्रकार से आपका उत्पीड़न कर रहे हैं इसके विषय में दो शब्द बताइए। उत्पीड़न ये है कि वो हमको जैसे ही हम इलाके में इत्र में पता लेने हुई तो भूल जाते हैं तो वो हम लोगों को परेशान करती हैं, पीठ पीछे गुंडे लगवाती हैं। और जैसा कि उनके पहले का इतिहास भी रहा है कि सहजनों में उन्होंने गोली चलवाई थी और उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट भी लगा, जो सहजनों में गोली लगी थी किन्नर पीठ में। जी, ये लगभग एक साल पुरानी घटना है। जी, तो क्या इनका हाथ उसमें है? जी, मुख्य आरोपी के रूप में ये उभर के आई है। क्या प्रशासन खलीलाबाद आपका सहयोग नहीं कर रहा? क्या कोई सहयोग नहीं, मेरा कोई सहयोग नहीं हो रहा, सबका हो रहा है, हो रहा है। और पहले मनगढ़ंत कहानी बना के मेरे पर झूठा आरोप लगवा के ऊपर गलत गलत धाराएं भी लगाई गई जिसकी वजह से मैं बहुत बहुत परेशान हुई, मेरे मान सम्मान को बहुत ठेस पहुंची है जिससे कि मैं। आप शासन प्रशासन से क्या निवेदन करना चाहती हैं? शासन से मैं यही निवेदन करना चाहती हूँ कि मेरी मुझे भी कोई क्षेत्र दिया जाए अपने जीवन यापन के लिए। मेरे साथ भी लोग हैं और जिस वजह से मुझे परेशान कर दिए उनके ऊपर उचित से उचित कार्रवाई किया जाए। वो जैसे आप लोगों के गुरु थे हैं, आप लोगों का एक महापंचायत होती है, पंचायत निर्णय करती है कि कौन किन्नर किस एरिया में जाएगा, क्या उसमें इस बातों को रखा गया कभी भी? रखा गया, बट वो मानने को राजी नहीं है। वो किसी तरह से वो पूरा क्षेत्र अपने मतलब अपने ही हाथ में लेना चाहती है, वो किसी दूसरे को नहीं रखना चाहती है और वो खुद अपनी सब करना चाहती है। अगर आपको न्याय नहीं मिलता तो अगला कदम क्या आपका होगा? जी, अगर न्याय नहीं मिलता है संत कबीर नगर के यहाँ के शासन और प्रशासन के माध्यम से, तो अगला कदम क्या उठाएंगे इसके विषय में? न्याय नहीं मिलता है तो मैं भी आगे तक जाऊंगी, योगी जी के पास जाऊंगी और मुझे पता है कि योगी जी और मोदी जी के कार्यकाल में न्याय होता है और मैं उनके पास जाऊंगी, वहां तक जाऊंगी और उनसे निवेदन करूंगी कि मेरा न्याय करेंगे। निकिता जी, एक सवाल मेरा भी है कि अगर यहाँ के पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने आपकी बात को नहीं सुना तो ये कोई प्रशासन का अंतिम पायदान नहीं है, जनपद संत कबीर नगर के आला अधिकारी कोई अंतिम पायदान नहीं है। क्या आपने कहीं लिखित रूप में माननीय डीआईजी महोदय को, माननीय एडीजी महोदय को ज्ञापन दिया आपने? जी हाँ, मैंने उनके आईजीआरएस के थ्रू मैंने उनको दिया था। व्यक्तिगत रूप में नहीं दिया? जी, व्यक्तिगत रूप में अभी नहीं। हम मीडिया की तरफ से आपको सुझाव भी देना देंगे कि अगर यहाँ सुनवाई नहीं हो रही है, आपके साथ कोई लगता है कि आपको पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया गया है, तो एक बार गोरखपुर परिक्षेत्र के माननीय डीआईजी सर को, एक बार माननीय एडीजी सर को एक वहाँ पे एप्लीकेशन जरूर दें। चूँकि जब आप जनता दरबार में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास जाएंगी और आपने अभी खुद ही बताया है कि हम अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं, गोरख प्रांत के अध्यक्ष हैं, तो ये बात आपसे सवाल या निशान पूछा जाएगा कि आपने वहाँ के अगर अधिकारियों ने न्याय नहीं किया तो क्या आपने उनसे ऊपर के अधिकारियों से मुलाकात किया या नहीं किया? है तो जरूर मिलिए, गोरखपुर क्षेत्र के डीआईजी से मिलिए, गोरखपुर क्षेत्र के एडीजी जोन से मिलिए। वहाँ पे नहीं होता है तो परम आदरणीय हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं उनके जनता दरबार में जाने की बात मन में लाइए, जरूर आपको न्याय मिलेगा। हम लोग मीडिया में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट
और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।